हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5, ठीक है, सोशल साइंस के बेटा 6th क्लास की और इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, जिसमें आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे पहले हमने बेटा अर्थ इन सोलर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या होती है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our country India is a country of many diversities because we have more than 1600 languages। मतलब जो हमारी इंडिया कंट्री है बेटा वो क्या है, अलग अलग विविधताओं वाला देश है, ठीक है। डाइवर्सिटी के मतलब होता है हिंदी में विविधता। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, और हमारे यहाँ पर बेटा अलग अलग प्रकार के खाने खाए जाते हैं, भोजन बनते हैं, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल और अलग अलग तरीके के बेटा क्या करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और बेटा अलग अलग तरीके के धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। एट टाइम वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी, और बेटा समय के साथ हमने ये डाइवर्सिटी का मीनिंग ही बदल दिया है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। मतलब अलग से अपने ही मन में कुछ अलग धारणाएं बना ली हैं, जैसे एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियंस अबाउट सम पीपल, और लोगों के प्रति अपनी एक अलग सी मन में राय बना चुके हैं हम, जैसे कि वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल दी ओपिनियन डैट पीपल इन विलेज आर माइजर। मतलब क्या बेटा अब इसका, कि हमने यह ओपिनियन बना रखी है कि जो लोग होते हैं गांव के अंदर रहते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है, ऐसा हम उनको मानते हैं। दिस टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रिजुडाइज अबाउट दी दूज पीपल, ठीक है। और बेटा जो क्या नाम है, ये जो ओपिनियन है हमारी, उसके प्रति हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे मतलब कि गाँव से आने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो हम उनको देखते ही ये समझते हैं कि ये कंजूस है। तो हमें देखते ही वही बातें याद आती हैं, चाहे आगे सामने से कोई कुछ भी कहे हम उनकी नहीं मानते, जो हमारे माइंड में पहले से हम उसी को ही समझते हैं सब कुछ और वही सच मानते हैं। तो प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। अब इसका मीनिंग क्या होता है बेटा प्रीजुडाइज का, कि हम दूसरे लोगों को जज करते हैं नेगेटिव तौर पर, ठीक है, नेगेटिवली मतलब नकारात्मक भावनाएं उनके प्रति रखते हैं और उनको अपने से कम समझते हैं, मतलब कि कम आंकते हैं, घटिया समझते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन डैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज़, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीजुडाइज। अब बेटा देखो क्या है इसका मतलब, कि अगर हम ये बोल दें कि जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसलिए, तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई, प्रीजुडाइस हो गई, ठीक है, यानी कि पूर्वाग्रह हो गया, जो हमने अपनी राय बना ली है शहरों के जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से राय बनती है जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्रीजुडाइस बोल देते हैं बेटा, और ये हमारी एक नेगेटिव जो थॉट है उसको इंक्रीज करते, बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आ जाती है, हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट है फाइंड आउट द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। तो अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में बेटा, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दीज। तो अपनी फैमिली मेम्बर की सहायता से इनका नाम पता करना है और इनकी एक लिस्ट बनानी है। तो बेटा जो आप कुछ तो मैंने बनाई है, तो जो आपको पता हो या अपने फैमिली मेम्बर से पता करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ और भी नाम, जैसे कि त्यौहार है बेटा, जो फेस्टिवल्स हैं वो होली हो गया, कोमा लगाते जाना इनके बाद एक एक के, ठीक है, होली, दिवाली, ईद, रमज़ान, रक्षाबंधन, ठीक है, नवरात्रि, भैया दूज, क्रिसमस, छठ पूजा, गणपति विसर्जन, गुरु पर्व, ये कुछ मैंने फेस्टिवल्स के नाम लिखे हैं बेटा। आपको और भी कुछ याद हैं और आपके अपने अलग कोई तरीके के फेस्टिवल है तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, गुजराती है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हरियाणवी, भोजपुरी, मराठी, मारवाड़ी, ये सारी लैंग्वेज कुछ मैंने कुछ ही लिखी है, हमारे यहाँ तो 1600 से ज़्यादा बोली जाती हैं, ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिस्ट बना सकते हो, दो चार और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीजुडाइज और नोट। तो आपको बेटा कुछ स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये मतलब कि पता लगाना है कि ये प्रीजुडाइज का एग्जाम्पल है या नहीं, मतलब कि कोई हमारी पूर्वाग्रह, हमने जो सोच बना रखी है उसका ये उदाहरण है या नहीं है। तो पीपल ऑफ सिटीज आर लेजी, तो बेटा हम ऐसा मानते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आलसी होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लेट उठते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें आलस के कारण करते हैं, ऐसा सोचते हैं हम, तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, हमारी प्रीजुडाइज हो सकती है, उसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब बेटा कुछ जो है यहाँ पर आंसर
हो सकता है आपके टीचर से मैच ना करे, तो आपको जो आपकी टीचर आंसर करेगी आपको उनको मानना है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रही हूँ, वैसे तो ये सही है, लेकिन अगर एक दो मैच मिसमैच हो जाते हैं तो आप टेंशन मत लेना, आप उनकी बात मान लेना, ओके। फिर नेक्स्ट है, पीपल इन विलेज डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। जो पीपल होते हैं बेटा विलेज के, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ऐसा मानते हैं। वो क्या सोचते हैं कि नुस्खों पर मतलब कि भरोसे रहते हैं, वो मानते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, जल्दी से डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, ठीक है, प्रेजुडाइज का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, तो ये नहीं है बेटा, ठीक है, ये पूर्वाग्रह नहीं है, ऐसा तो सिंपल एक सेंटेंस है ये, जो मानते हैं, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन सच में कोई पूर्वाग्रह नहीं मानता इसको। फिर फॉरनर कैन नॉट बी ट्रस्टेड, अब बेटा ये मतलब कि हो सकता है हमारा पूर्वाग्रह कि जो विदेशी लोग होते हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, या भरोसे के लायक नहीं है, ऐसा भी बना लेते हैं हम धारणा, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है, तो ये भी उसका उदाहरण है। फिर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट, तो बेटा ये भी हम मानते कि जो अंग्रेजी बोलता है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो हिंदी बोलते हैं या अपनी भाषा बोलते हैं, मातृभाषाएं, वो भी बुद्धिमान और इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं, ठीक है, तो ये भी मानी जाती है धारणा, ठीक है, ऐसा माना जाता है, बट ये सच नहीं होती है। पूर्वाग्रह हमने अभी बताया बेटा कि ऐसा हम बना लेते हैं नेगेटिव थॉट, ये होते नहीं हैं वास्तव में, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।